हेलो दोस्तों, वेलकम टू देवो के देव महादेव चैनल। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आपका यूट्यूब चैनल है किसी भी कैटेगरी का, चाहे वो गेमिंग का, चाहे ब्लॉग्स का, चाहे कुकिंग के रिगार्डिंग है, ए टू जेड कोई भी चैनल है, अगर आप यूट्यूब चैनल से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी को पूरा करना होगा, उसके बाद मोनेटाइजेशन पर अप्लाई करना होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोनेटाइजेशन टैब में जो स्टेप टू के ईयर को सॉल्व कैसे करें। आज की ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसी बात पे भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई आपको पता है हम YouTube टिप्स के रिगार्डिंग वीडियो लाते रहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा YouTube चैनल है जिसका स्टेप वन डन है, स्टेप टू में एरर है और स्टेप थ्री में एरर नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम मेरे को दूर करनी है। यहाँ पे लिखा है योर एसोसिएटेड एडसेंस अकाउंट वाज क्लोज, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों ये बोल रहा है कि या तो एडसेंस को क्रिएट करो या फिर नया एडसेंस बनाओ। एक्चुअली में इनकी जो प्रॉब्लम है वो है कि इनका जो नया एडसेंस है वो बन नहीं पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट और लिंक एंड एडसेंस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्रोसीड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन डाल देना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये बोल रहा है यू विल बी रिडायरेक्टेड टू एडसेंस टू कंप्लीट दिस सेटअप। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके पास अगर एडसेंस अकाउंट पहले से है तो आपको लिखना है यस आई हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे लिखना है नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ उसके बाद आपको किस ईमेल आईडी पे आपका एडसेंस बनाना चाहते हो या आपका एडसेंस है वो ईमेल आईडी आपको सेलेक्ट करनी है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नो करना है, उसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आपको अपनी कंट्री का जो नाम है वो चूज करना है। उसके बाद यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई आपका ये एडसेंस है और ये आपकी प्रोफाइल है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे अपना सारी जो डिटेल्स है वो भरनी है, तो मैंने ये डिटेल ऑलरेडी भर रखी है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका जो एडसेंस है वो यहाँ पे दोस्तों एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिफ्रेश अभी हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आप दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आपका जो एडसेंस है वो यहाँ पे क्रिएटेड हो रहा है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना है। दोस्तों 8 से 12 घंटे के बाद मैं दोबारा से मैं लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन टैब में मैं गया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पे कंप्लीटली सक्सेसफुली मोनेटाइज हो चुका है और इनका जो गूगल एडसेंस बना है वो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बना है। दोस्तों अगर पब्लिशर आईडी की बात करें तो 105301 है। अगर मैं गूगल एडसेंस में लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 105301, यानी कि एडसेंस वही है और इनकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गई है। इनका एडसेंस यहाँ पे बन गया है और साथ में एक्शन बटन भी आ गया। काफी जो लोग हैं उनके पास एक्शन बटन जल्दी आ जाता है, बट किसी को वेट करना पड़ता है जब उनके गूगल एडसेंस में पेमेंट आती है या डॉलर आते हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ भाई ये जानकारी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, परेशानी है, आपसे हमें कुछ पूछना है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू आप हमसे बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और हमारे 47K फॉलोवर से भी ज्यादा है, यानी कि 47,000 फॉलोवर से ज्यादा है। तो ऐसे में अगर आप हमसे कॉल पे बात करना चाहते हैं तो कॉल भी फोन एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हैं और उसकी जो आईडी है वो मैंने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में ही ऐड कर रखी है। तो दोस्तों यहां पे मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।